Most welcome Regiment Ayurveda. Today we will discuss about the specific symptom of the specific बाल ग्रह. हम specific बाल ग्रह की जो विशेष बाल ग्रह हैं, विशेष लक्षण हैं, उनको ही इस टॉपिक में कवर करेंगे. और जो बाल ग्रह से रिलेटेड पूरा टॉपिक है वो मैंने दो वीडियो में सेपरेट कवर कर रखकर पहले ही आपको अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आपको पहले से ही मिल जाएगा. तो अगर इसके अलावा जो बचे हुए बाल ग्रह का जो पूरा फुल डिस्क्रिप्शन जो लक्षणों का है वो आपको एक सेपरेट वीडियो में मिलेगा. लेकिन ये जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, AIPG इंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू से, और साथ ही साथ जो है UG स्कॉलर्स ऑफ द थर्ड ईयर के लिए बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसमें कवर करता हूँ. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच दिस वीडियो एंड फुल पूरा वीडियो वॉच करें. मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ. चलिए मैं सीधे सीधे बात ही करता हूँ इन लक्षणों की जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आए भी हैं. तो सीधे सीधे अगर अल्परोदन की बात आती है, अल्परोदन स्कंद ग्रह में है, ठीक है ना. स्कंद ग्रह इन्फेंटाइल हेमिप्लेजिया से किया गया था. अतिरोदन स्कंद अपस्मार में है और अंधपूतना में है. सहसारोदन पित्त ग्रह में है, ठीक है. त्रियक प्रेक्षण रोदनम पूतना ग्रह में है. और प्रतत रोदनम पूर्व लक्षण आपका बाल ग्रह है. तो आपको याद कैसे रखना है कि जो बाल ग्रह के लक्षण है भाई, रोदन बहुत है, इसलिए प्रतत रोदन पूर्व लक्षण बाल ग्रह का है. पूतना क्या थी, वो एकदम से जो है मथुरा में जाती थी पूतना, तो वो क्या करती थी, वो तिरछे वेणे चारों तरफ देख के फिर रो देती थी, अरे मैं कैस कृष्णा को मारने आई हूँ, ऐसे करके है ना. त्रिक पेक्षणम रोदनम पूतना ग्रह. पितृग्रह सहसारोदनम पिता बेचारा जो इतना सहस हो जाए कि सारा हर बार बेचारा आसानी से रो देता है, तो ऐसे आपको रखना है सहसारोदनम. अतिरोदनम अंधी है और अपस्मार अब तो बहुत रो रहे हैं, ठीक है ना. और अल्परोदनम भी स्कंद ग्रह हुआ है, तो अल्परोदनम ये आपको याद रखते हैं, ठीक है. इतने इजी से मैंने बता दिया बिल्कुल से. सम्य रोदनम भैया एक में है, ऊर्ध नचते हंसनम, अरे तुम इन सबको देख के नैगमेश ने क्या किया, ऊपर देख के हंसना शुरू कर दिया, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, स्टोरी टाइप में. नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलिए इनकी बात कर लेते हैं. जरम्बादंश जो है स्कंद अपस्मार में है, क्योंकि एपिलेप्टिक पेशेंट है कि जरम्बा को दंश ना हो जाए एकदम से, इसलिए जो ऐसे हो गया. ओष्ठ दंश तो नैगमेश ने वाला जो है, वो नैगमेश जो ओंठ को जो है दसने का प्रयास करता है. नैगमेश मेष नैगमेश ऐसे नहीं, शेष नाक ऐसे नैगमेश ओष्ठदंश. जीवादंश सवग्रह, ठीक है ना. अब क्या हुआ कि सबको देख के जीवा दबा ली गई किसी ने अपनी, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, ऐसे ना, ठीक है ना. इसके बाद एक नयन श्राबी स्कंद ग्रह का है और दो नयन श्राबी पित्त ग्रह का है और एक नयन सुप नैगमेश का है, ये भी आपको याद रखना है डिफरेंशियल के लिए. भाई गाढ़ मुष्टि वर्चा स्कंद ग्रह और तृण मुष्टिबंध अत्सारणम नैगमेश का और मुष्टिबंध द्वैन श्राव पित्त ग्रह का, ओके. ये आपको देखना है, पित्त ग्रह को आपको पता होना चाहिए कैसे हमने कोरिलेट किया है पित्त ग्रह को. जो हमने जो है जैसे कि ये नैगमेश है वो मेनिनजाइटिस से कोरिलेट किया गया है, ठीक है ना. और ये जो आपका पित्त ग्रह है, इसका जो हमने मॉडर्न कोरिलेशन जो है वो जो है निमोनिया से किया है, तो दोनों नेतु से सिरा हो रहा है. नेक्स्ट बात करेंगे ज्वर मुखपाक रेपती में और मुखपाक गुदपाक दोनों शकुनी में मिलेगा, ओके आपको देखना है. अब उसके बाद देखना आपको बस सत्सांग पूतना ग्रह, सत्सांगो शकुनी ग्रह. सत्सांग पाँच में से दस जो दस में से पाँच मर्म भी धोने पर भी उसने पाता ज्वर में मिलता है, ऐसे आपको याद रखना है. शीतलांगता घनांगता प्रेम में और सुप्तांगता कुष्ठ में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखना है. उदर कलुषित सिरा मुखमंडिका, ठीक है ना, और उदर ग्रंथ सिरा शुष्क रेपती, ओके. और नेक्स्ट केश लुच्चनम स्कंद अपस्मार, केश साथ शुष्क रेपती में. और ललाट अच्छी नासा ऊट परिमर्दयति, ये कुकुलक का है. और कर्ण नासा अच्छी परिमर्दयति, ये रेपती का है. अच्छु निर्मलनम सबग्रह का है. तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. बस इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और एकदम सीराधे रीराधे बोल के पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है. और इसमें से क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा. तो प्रणाम आयुर्वेदा एंड नमो आयुर्वेदा.